एसएमपी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एसएमपी इम्पोर्टेंट है। एसएमपी को मैं ना एक ग्रुप में डाल दूंगा कि एसएमपी बनता कैसे, एसएमपी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और ग्रुप में डाल दूंगा। एक माइंस है, जयंत माइंस है हमारा एनसीएल का, जयंत माइंस, उसका जो मैनेजर ने एसएमपी बनाया है उसी को मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, उसको पढ़ लोगे ना तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एसएमपी बनता क्या है, उसमें होता क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप से नोट्स डिलीट हो गया है सीएमआर का। अच्छा मैं उसको देख लेता हूँ लेक्चर के बाद, वो फिर से उसको देख लेंगे अपन, कर लेंगे। चलिए वर्किंग एथाइट पे थे अपन। वर्किंग एथाइट हमारा एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है, एसएमपी करेंगे। एसएमपी में जयंत का डाल दूंगा ग्रुप में, उसको आप देख लीजिएगा कि माइंस का एसएमपी होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक, तो वर्किंग एथाइट जो है उसमें सबसे बड़ा चीज ये मान के चलिए, मेन क्या है, 1.8 मीटर को याद रखना है अपने को। 1.8 मीटर, 1.8 मीटर से कुछ याद आ रहा है, हर चीज का हम ऊंचाई 1.8 मीटर करते थे। 1.8 मीटर क्या होता है, आदमी का एवरेज हाइट होता है, ठीक है, तो मतलब 6 फीट लगभग। तो 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट में काम करेगा तो मतलब वो समझ लो हाइट में काम कर रहा है। तो ऐसा जगह जहां भी बंदा वन पॉइंट ऐसा जो बंदा जो ऐसे जगह पे काम कर रहा है, चाहे वो ओपन कास्ट माइन से, वो कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है, या अंडरग्राउंड में भी 1.8 मीटर से ज्यादा आपका स्टॉपिंग हो गया, या कहीं ऐसा चीज हो गया जहाँ 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट हो गया, उसको हाइट में काम करना बोलते हैं। ठीक, तो जो भी बंदा यदि 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट में काम कर रहा है और गिरने का उसको खतरा है, मान लो ये दीवार में काम कर रहा है, ठीक है, ये दीवार में काम कर रहा है, इसका 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट हो गया, तो जहां पास बंदा चढ़ा है तो इसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बस ये दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। वॉइस आ रहा है भाई, मेरे मोबाइल भी साइड में चल रहा है, वॉइस आ रहा है, आप तो अपना नेटवर्क देखो, डाटा खत्म हुआ या कुछ भी हुआ उसको देख लो, ठीक है। तो वर्किंग एट हाइट यही होता है कि यदि आपका बंदा 1.8 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पे काम कर रहा है तो 1.8 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पे काम कर रहा है तो जहाँ खड़े होने की जगह है, मतलब नो पर्सन शैल वर्क और ट्रेवल ऑन एनी लेज और फुटपाथ लेस देन 1.5 मीटर वाइड फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल मोर देन 1.8 मीटर। ये कुछ भी हो सकता है, मैं दीवार का एक इसका जो ये 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, बस ये अपने को ध्यान में रखना है, इसकी चौड़ाई क्या है, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अनलेस ही इज प्रोटेक्टेड बाई गार्ड रेल, अनलेस तब तक जब तक कि आप ऊंचाई पे देखे होंगे इस तरीके के गार्ड लगे रहते हैं, ठीक है, ताकि वो गिरे ना, इस तरीके के गार्ड रेल्स लगे रहते हैं, या इसको फेंसिंग भी बोलते हैं, फेंस और सेफ्टी बेल्ट। आ उसके कमर में क्या रहेगा, सेफ्टी बेल्ट, और सेफ्टी बेल्ट या रोप, ठीक है, रस्सी से बंधा रहेगा, या सेफ्टी बेल्ट आपने बहुत फिल्मों में भी देखा होगा, सेफ्टी बेल्ट से कैसे लटका रहता है, एंड सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग। क्लियर, मतलब ऐसे जगह पे काम नहीं करने देना है जिसका हाइट यदि 1.8 मीटर से ज्यादा है और वहां से उसको गिरने का खतरा है, वहां से उसको गिरने का खतरा है, और उसकी चौड़ाई जहाँ वो बंदा खड़ा है उसकी चौड़ाई 1.5 मीटर से कम ना होना चाहिए, ठीक है, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज्यादा है तो ठीक है, वो बंदा वहां काम कर सकता है। 1.8 मीटर से हाइट ज्यादा है और वहां से गिरने का खतरा है, 1.8 मीटर से हाइट ज्यादा है, गिरने का खतरा है, और 1.5 मीटर से कम चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये हो गया आपका नंबर वन। व्हेन प्लांट मस्ट, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज इसी में यही डाटा है, बाकी ठीक है, वो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। व्हेन अ प्लांट मशीनरी वर्कशॉप और एनी अदर शेड और स्ट्रक्चर इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अब कहाँ कहाँ भाई, ये तो बहुत बड़ा हो गया प्लांट, प्लांट जान ही रहे हो आप कितने बड़ा होता है, ठीक है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका शेड बन रहा है, शेड जान रहे हैं वर्कशॉप में कितना बड़ा बड़ा शेड रहता है, वहाँ काम हो रहा है, रिपेयर रिनोवेशन पर्सन अलाउड टू वर्क एट हाइट, वहाँ क्या करेंगे, अलाउ करेंगे हाइट में काम करने के लिए यदि 1.5 मीटर से कम भी रहा तो। प्रॉपर वाके स्टेयर्स और लेडर वे विथ हैंड रेल्स गार्ड और स्टेजेस प्लेटफॉर्म विथ फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड डेंजर ऑफ रिस्क ऑफ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ठीक है, जहाँ ये अलाउ
कर रहे हैं वहां का, वहां के हैंडसेट पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए विथ फेंसिंग सेली प्रोवाइडेड टू अवॉइड डेंजर ऑफ रिस्क ऑफ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट। चलिए, आवाज सच में ब्रेक हो रहा है क्या यार? क्योंकि मेरे साथ मोबाइल चल रहा है, मैं देख रहा हूँ वहां ब्रेक नहीं हो रहा है। हेलो 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 हेलो, चलिए ठीक है। जब अच्छा, बीच बीच में आवाज जा रही है ना। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं। अभी ठीक है? एवरी पर्सन परमिटेड टू वर्क एट हाइट सैलरी प्रोवाइडेड विद सेफ्टी बेल्ट। जिस बंदे को अपन क्या करेंगे, एवरी पर्सन परमिटेड टू वर्क एट हाइट सैलरी करेंगे, जिस बंदे को अपन परमिट कर रहे हैं हाइट में काम करने के लिए, उसको सेफ्टी बेल्ट के साथ अपन बोलेंगे काम करे, ऑफ द टाइप जो कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव हो। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव हो। सेफ्टी बेल्ट जो यूज करेंगे वो किसके किससे अप्रूव्ड है? चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, जिस बंदे को अपन हाइट में काम करने के लिए परमिट कर रहे हैं। चौथा, एवर इट इज रिक्वायर्ड टू वर्क एट हाइट इन्वॉल्विंग डेंजर ऑफ रिस्क ऑफ फॉलिंग, प्रॉपर स्टेज और वर्किंग प्लेटफॉर्म एडिक्वेट एंड सुटेबल डिजाइन एसेंशियली प्रोवाइडेड। अब क्या बोल रहा है ये कि जहाँ अलाउ, मतलब ये सब चीजें खास नहीं है, मेन चीजें यही 1.5 मीटर और 1.8 मीटर है। जहाँ पास हाइट में काम करने के लिए बोलेंगे भी, तो वहां ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, वर्किंग प्लेटफॉर्म हो, सुटेबल डिजाइन स्ट्रेंथ रहना चाहिए उसका। ये सब तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, फेंसिंग सप्लीमेंट सच। फिर बोल रहा है कि हाइट में आने जाने का, पर्सन को आने जाने का जगह अप्रोच होना चाहिए, फेंसिंग टू प्रिवेंट सच फॉल्स। इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, कंप्लीटली। अब एक नेट जो होता है अपना, नेट नेट मतलब जाला नीचे हमेशा रखना चाहिए, अगर काम मतलब ये इसको रखना चाहिए, हाइट इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, नीचे रखना चाहिए। ये एक वो बोल रहा है, कोड ऑफ प्रैक्टिस, मैनेजर कोड ऑफ प्रैक्टिस करेगा कि हाइट में कैसे काम करना है, मैनेजर बनाएगा कोड ऑफ प्रैक्टिस व्हाइल एग्जिस्ट सर्वर इन द माइंड। ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा हाइट में काम करने का, मैनेजर। ये क्वेश्चन, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिखा कि कोड ऑफ प्रैक्टिस, सेफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा, वो मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ क्या हुआ, क्या क्यों डिलीट हुआ। नो अनट्रेन एंड एक्सपीरियंस पर्सन, अनट्रेन और इनएक्सपीरियंस पर्सन को हाइट में काम करने नहीं देना है। ठीक है, और सिस्टम ऑफ चेकलिस्ट एंड इशूइंग ऑफ वर्क परमिट सैलरी मेंटेन बाय एजेंट मैनेजर। मतलब ये सारे चीजें में निष्कर्ष क्या निकला, एक इम्पोर्टेंट ये निकला कि वह हाइट में वर्किंग करने का कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा, वर्किंग में हाइट में वर्क करने का कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर बनाएगा, और वो 1.5 मीटर 1.8 मीटर वाला जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको अपने को ध्यान में रखना है कि 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट में यदि काम हो रहा है तो 1.5 मीटर से ज्यादा उसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये क्या था हमारा, वर्किंग एट हाइट। अब चलो, दो टॉपिक आपका वहां बच गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद एसएमपी का एक क्लास कर लेंगे। ठीक है, एसएमपी अपन अच्छे से पढ़ाएंगे, थोड़ा मैं भी प्रिपेयर कर लूं। कहाँ गया, सस्पेंशन गियर, हॉलेज का दो तीन चीज बच गया था ना, वो तो कुछ कम से कम ये कंप्लीट रहे कि अपने को 104 से आगे पढ़ाना है। फेंसिंग एंड गेट्स, एक सौ दो और 103, दो चीज बचा था।
और कुछ भी था। ठीक, सुबह 5 बजे तक कैसे पड़े सर नींद बिना? अरे बाबा, आप देखो दो दो ऑप्शन रहता है, जिसको जल्दी सोने का आदत है वो सुबह जल्दी उठ के पड़े। मैं देखो एक काम करो, ये अब 12 ही दिन है, अब तो ये भी नहीं है कि ज्यादा पढ़ना है, 12 दिन थोड़ा शेड्यूल वो कर लो। अपन क्या करते थे, मैं 11 बजे सो जाता था, आपको पता है 11 बजे सो कर क्या होता था, मैं 2 बजे रात में उठता था, क्योंकि रात का पढ़ाई जरूरी है। रात के पढ़ाई में ना आप जीरो डिस्टर्बेंस में पढ़ोगे, या तो लेट नाइट स्टडी करो या जल्दी सोकर। हाँ, मैं 11 बजे सो जाता था, उसके बाद अलार्म लगा के 2 बजे, देखो कुछ आप सपना देखोगे ना तो आपका नींद वैसे ही टूटेगा। आपको कहीं ट्रेन पकड़ना रहता है तो नींद टूटता है कि नहीं टूटता है? क्यों? क्योंकि आपके माइंड में है कि ट्रेन छूट गया तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो नींद को अपन क्या करेंगे, वो खुद ब खुद टूटेगा। आप थोड़ा सा उसको दीजिए ना कि मुझे पढ़ना है, या तो लेट नाइट, देखो नाइट स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो आप लेट नाइट 2 3 4 बजे तक पढ़ो, या जल्दी सोकर 2 3 बजे, 2 बजे उठकर 2 से 7, ये 5 घंटा जो आपका जाएगा ना वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, और आपका नींद टूटेगा भाई। क्यों नहीं टूटेगा? आप ट्रेन पकड़ने कहीं, आपका 1 2 बजे रहता है तो आप क्या बोलते हो, नींद है मैं नहीं जाऊंगा, ट्रेन छोड़ देते हैं? नहीं, आपको पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए। बिफोर वैगन सर मूव पर्सन सर लाइकली टू द मूवमेंट ऑफ रेलवे सर बी कैरियड अंडर द सुपरविजन कंप्लेंट पर्सन। जो मूवमेंट रहेगा वो कंप्लेंट पर्सन कराएगा, ठीक है, पीछे से नहीं। नो पर्सन क्या करेगा, सामने से खींचने का कोशिश नहीं करेगा। ये सब चीजें कुछ खास नहीं है, आप ना इसको एक बार रीडिंग मार लोगे। चलो इसमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोनों चीज वही है, रीडिंग मारोगे आपको समझ में आ जाएगा। फेंसिंग एंड गेट्स वेर एनी हॉलेज रोज, जो भी रहेगा। एक ये डाटा वाला मिला कि जहाँ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है आसपास में, हॉलेज रोड के ट्रैम लाइन के, ये ऑक्यूपाइड बिल्डिंग कैसे आता है भाई, हमको क्या क्लियरेंस नहीं मिलता है। हाँ, पीछे का आवाज बंद करो, रेगुलेशन याद करने का उपाय बताएंगे। ठीक, चलो आज रेगुलेशन याद करने का, ये जो भी समय बचा उसी में कर देते हैं। रेगुलेशन याद करने का उपाय बताते हैं, और एसएमपी कल चालू कर, एसएमपी कल मैं ले लूँगा, ठीक है। और ये चैप्टर 10 से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसको थ्रो फेयर, हाँ थ्रो फेयर मतलब, ठीक, ये अच्छा चीज़ एक चीज़ आया। थ्रो फेयर क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट रास्ता होता है, ये आपका हॉलेज रोडवे है, ठीक है, ये आपका हॉलेज रोडवे है। तो ये जो आपका ट्रैवलिंग रोडवे है, अगर हॉलेज को जहाँ पार करेगा तो क्या करते हैं, आप रेलवे ट्रैक में भी देखे होंगे तो इस जगह को थोड़ा भर दिया जाता है, आपका रेलवे फाटक, ठीक है। रेलवे फाटक में क्या होता है, इस जगह को भर दिया जाता है ताकि आसानी से लोग पार हो पाए। तो ये हमारा थ्रो फेयर जो है, मतलब जो हॉलेज रोडवे पार हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग रोडवे है, ये क्या है, ट्रैवलिंग रोडवे है जिससे आदमी आना जाना करते हैं, और ये क्या है आपका हॉलेज रोडवे है। तो जो इम्पोर्टेंट रास्ता होता है उसको थ्रो फेयर कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ये लिखा हुआ है थ्रो फेयर, ये छूट जा रहा था, चलो भाई ने अच्छा याद दिलाया। देखो, जब कोई हॉलेज रोडवे या ट्रैम लाइन, जो भी रेल लाइन है, वो कहाँ से पास होगा, पब्लिक रोड से। ये ट्रैवलिंग रोडवे क्या है, पब्लिक रोड इसको मानिए, जिससे आदमी आना जाना कर रहे हैं, और ये हॉलेज रोडवे है, ठीक है। सुइटेबल गेट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट डेंजर टू पब्लिक फ्रॉम अ मूविंग ट्रक्स। एक तो यहाँ गेट रखेंगे, ठीक है, सेट ऑफ टेंटर्स लोकोमोटिव मशीनरी एवरी सच गेट शैल बी लिफ्टेड डेंजर एंड व्हेन द नेचुरल लाइट इज इनसफिशिएंट। थ्रो फेयर वर्ड ऊपर है क्या, ये वाला लाइन है। वेर एवर रेलवे वैगन आर स्पेशली प्लेस सो एज टू अफोर्ड अ थ्रो फेयर, रेलवे वैगन ये थ्रो फेयर से जाना जाए, सच थ्रो फेयर शेल नॉट बी लेस देन 5 मीटर इन विड्थ। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि थ्रो फेयर मतलब इम्पोर्टेंट रोड को क्या बोलते हैं अपन, थ्रो फेयर मतलब ये आपका पर्सन के आने जाने के लिए है, ट्रेवलिंग रोडवे, इसमें आदमी आएगा जाएगा ही, और ये क्या रहा है, हॉलेज ट्रैक से पास हो रहा है, तो ये जो अपना ये है, ये 5 मीटर से ज्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ये थ्रो फेयर की चौड़ाई, हॉलेज की चौड़ाई नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट रास्ता है जो कि हॉलेज को पार कर रहा है, उसकी चौड़ाई 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट रास्ता क्या है, अब भाई ट्रेवलिंग रोडवे है तो इससे आदमी जाएगा ही जाएगा, तो ये फाटक के पास जिस तरीके से हमारा क्या होता है, मटेरियल को भर देते हैं, थोड़ा सा गड्ढा वड्ढा नहीं रहता है,
तो इस पोर्शन का चौड़ाई क्या होनी चाहिए, थ्रो फेयर की चौड़ाई जो इम्पोर्टेंट रास्ता है उसकी चौड़ाई 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज था। चलो कल ये वाला कर लेंगे। अभी एक भाई बोल रहा है सीएमआर का, उसको कैसे याद करें। देखो सीएमआर को बड़ा सिस्टेमेटिक ढंग से सजाया गया है, ठीक है। डेफिनेशन तो चलो हटाओ, 2 नंबर डेफिनेशन, 3 से क्या होता है आपका नोटिस ऑफ ओपनिंग। तो हमारा इस तरीके से याद करेंगे, चैप्टर 1 को पकड़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 1 तो डेफिनेशन हो गया, चैप्टर 2 से पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोट्स में ऐसे बनाओगे कि ये चैप्टर 2 है। 102 का 10-12, 102 का 11, 102 वही था क्या? 102 मोमेंट ऑफ वैगन्स, तो 10-11 हो गया था यार सुबह। अच्छा जो अभी है, सॉरी। लो यार इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थ्रो फेयर हो गया अभी जो मैंने बता दिया। 11 क्या है, नो मटेरियल शैल बी प्लेस्ड और डंप विद इन 1.2 मीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रेल ट्रैक्स। कितना वो मस्त है कि आपका ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है, जिससे 1.2 मीटर तक हमारा पूरा क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी मटेरियल, अब जैसे क्या क्या हो सकता है, सिल्ली पड़ा है, सपोर्ट वाला सिल्ली पड़ा है, तो ये 1.2 मीटर के आसपास नहीं होना चाहिए। कोई भी मटेरियल प्लेस्ड या डंप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1.2 मीटर आपका दोनों तरफ खाली होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 10वां और 11। बाकी कुछ खास नहीं है। 103 का 2 हिंदी में समझा दीजिए सर। 103 का 2 क्या बोल रहा है भाई? हाँ, वेर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स आर विद इन 15 मीटर्स ऑफ हॉलेज रोडवे। अब यहाँ आप बोलोगे हॉलेज रोड के 15 मीटर तक ऑक्यूपाइड बिल्डिंग कहाँ से आ गया? हॉलेज समझ रहे हो ना, ठीक है। हॉलेज रोडवे के आसपास 15 मीटर तक ऑक्यूपाइड बिल्डिंग कहाँ से आ गया? सरफेस में भी, माइंड से निकल के हॉलेज कहाँ तक जाता है? सरफेस तक जाता है, ठीक है। तो सरफेस में मान लो यहाँ पास हमारा कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, तो इससे जो 15 मीटर के बीच का क्या रहेगा, 15 मीटर के बीच में रहा तो क्या रहेगा, सस्पेंशन फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बिटवीन सच बिल्डिंग एंड हॉलेज रोड ट्रैम लाइन, जो भी रोडवे, हॉल रोड भी हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारा माइंस का रोड वगैरह है, वो अगर किसी बिल्डिंग से 15 मीटर के अंदर में है, 15 मीटर के अंदर है, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे अपन, फेंसिंग लगा देंगे। ये अपना हॉल रोड हो, चाहे हॉलेज हो, कुछ भी हो, ये आपका ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, मतलब कोई प्राइवेट बिल्डिंग है, तो इनके बीच में क्या होगा, आपका फेंसिंग लगा रहेगा। अगर इनके बीच की दूरी 15 मीटर हुई, तो रोड, हॉल रोड, हॉलेज रोडवे, उनके और बिल्डिंग के बीच की दूरी अगर 15 मीटर है, तो अपन ये बिल्डिंग और रोड के बीच में क्या कर देंगे, फेंसिंग लगा देंगे। क्लियर? थ्रो फेयर मैंने अभी बता दिया, 110 का 2 बता दिया। थ्रो फेयर मतलब इम्पोर्टेंट रास्ता। इम्पोर्टेंट रास्ता जब भी हॉलेज रोडवे को पार करेगा, इम्पोर्टेंट रास्ता मान के चलो, थ्रो फेयर मतलब होता है इम्पोर्टेंट रास्ता, ठीक है। इम्पोर्टेंट रास्ता जब भी करेगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपन क्या करते हैं, कैसे सी हमारे की रिलेशन को याद करें। आप जब भी इसको याद करेंगे तो इस तरीके से याद करेंगे, चैप्टर 2, ठीक, लिखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में कहाँ से कहाँ है ये तो याद हो जाएगा आपको, 3 से लेके 9 तक रहेगा, ठीक। क्या है, 3 से लेके 9 तक है, ये ध्यान देना है कि चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक रेगुलेशन है। तो अपन लिख लिए 3 से लेके 9। अब देखो सिस्टमेटिक ढंग से सजा दिया गया है। तीसरा क्या बोलता है कि नोटिस ऑफ ओपनिंग, आपको खदान मिल गया, आपको खदान मिल गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इन सबको जो हमने पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसको नोटिस ऑफ ओपनिंग देंगे, ठीक। अब हमने खदान खोल लिया, खदान खोल लिया तो उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्शन आना चालू हो गया, प्रोडक्शन आना चालू हो गया, तो खदान खुला, प्रोडक्शन आना चालू हो गया, तो हमको क्या करना है, हर साल एनुअल रिटर्न भरना है कि हमारे खदान से इतना कोयला आ रहा है, और सिस्टमेटिक ढंग से। पांचवा क्या हो गया कि आपका किसी कारणवश, पांचवा क्या है भाई, आपका किसी कारणवश माइंस रुक गया, अब खदान चल रहा है, बीच में कुछ दिक्कत आ गया, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ साइड में,
हर बार ऊपर नीचे क्या करूं। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा तो हमने खदान मिला, हमने ओपनिंग का नोटिस दे दिया। चौथा क्या बोला कि खदान मिला, ओपन हो गया, अब उससे कोयला निकलने लगा तो हमने ओनेबल रिटर्न भर दिया। पांचवा क्या बोला, एंड उस खदान सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक से किसी कारणवश डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू 60 दिन वाला हमने पढ़ा है, या क्लोज हो गया, ठीक है। पूरा कोयला हमने निकाल लिया, एनुअल रिटर्न भर दिया, क्लोज हो गया। तो इसका अब क्या, डिसकंटिन्यू हुआ था तो दोबारा खोल भी सकते हैं। तो छठवा क्या बोल रहा है, रीओपनिंग कर दिए अपन, ठीक। ये सब क्या हो रहा है, रीओपनिंग कर दिए। अब रीओपनिंग कर दिए, फिर सातवा देखिए क्या था आपका। अब माइंस चल रहा है, बीच में ऑनरशिप चेंज हो जाएगा, अपॉइंटमेंट और वो होगा, क्या नाम है, ऑनरशिप चेंज होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर एजेंट होंगे, बीच में ये सब होगा। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, ओपनिंग और री ओपनिंग के बीच में क्या होगा, एनुअल रिटर्न डिस्क्लोजर, और सातवां क्या हो गया आपका, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप, ऑनर एजेंट मैनेजर कुछ भी चेंज होगा तो उसका दे देंगे। और माइंस चल रहा है तो भैया एक्सीडेंट वगैरह होते रहेंगे। और नौवां क्या हो गया, नोटिफाइड डिसीज, माइंस के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई डिसीज होता है तो इस तरीके से आपको नोटिफाइड डिसीज हो जाएगा, नोटिफाइड डिसीज होता है तो आप उसको भेज देंगे। तो ये तो देखो, ये सिस्टम से हो गया आपका, रीओपनिंग तक तो सिस्टम से हो गया। खोला हमने, खोल के कोयला निकाला, एनुअल रिपोर्ट भेज दिया, बीच में बंद हो गया, बंद हुआ तो दोबारा भी खुलेगा तो रीओपनिंग हो गया, ठीक है। और सातवां, आठवां, नौवां, आठवां नौवां को पीछे से याद कीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो पीछे से याद कीजिए कि नौवां है डिसीज को भेजना है, आठवां है एक्सीडेंट भेजना है, और सातवां हो गया चेंज ऑफ ऑनरशिप एजेंट मैनेजर। मतलब 3 से 6 आपको सिस्टम से याद हो गया, आ 7, 8, 9 में कन्फ्यूजन होगा तो इसमें पीछे से आ जाइए, डिसीज, एक्सीडेंट और वो। तो चैप्टर वाइज आपको रेगुलेशन नंबर याद करना है। अब देखो दूसरा चैप्टर क्या, तीसरा चैप्टर क्या कहता है, उसमें भी बड़ा अच्छे से सिस्टम से उसको डाला गया है, ठीक है। बोर्ड, आज यार बेचारे सब हड़बड़ा आ गए होंगे यार, कोई ना। देखो इस तरीके से चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 बोल रहा है 10 से लेकर, जितना दिन हो गया इसका तैयारी रहता तो ये समझ रहा है। इसी तरीके से आपको याद करना है कि मान लो 10 से लेके 25 तक ये सर, ठीक है, 10 से लेके 25 तक याद करना है। तो पहला क्या है, कौन लेगा ये एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट, तो पहला बोलेगा बोर्ड। अब बोलेगा बोर्ड को, बोर्ड कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। विनोद सर में तो और बेचारे सब घबरा गए होंगे, सही बात है। चलो इसको ना मैं अच्छे से प्रिपेयर करके, इसमें देखो टाइम जबरदस्ती एक्स्ट्रा अपना जा रहा है, इसको मैं अच्छे से प्रिपेयर करके रेगुलेशन वाला बता दूंगा, ठीक। इसी तरीके से चैप्टर वाइज याद करना है, ये एक ओवरव्यू जैसा आप ले लीजिए। बाकी देखिए थोड़ा सा घबराना नहीं है, सबसे बड़ा चीज घबराना नहीं है, जितना ज्यादा हो सके नाइट स्टडी बहुत जरूरी है। एक चीज, दिन में आपको कुछ भी काम पड़ सकता है, वो काम पड़ता है भाई, इंसान है, कुछ भी काम पड़ सकता है। रात का समय जो एकदम मेंटली पीस वाला तैयारी होता है, तो या तो लेट नाइट स्टडी कीजिए या अर्ली मॉर्निंग स्टडी कीजिए, वो अब आपके ऊपर है। जल्दी सोने का आदत है, अलार्म बजा के एकदम उठ जाइए, ठीक है। देश का नोट्स मैं खुद बना दूंगा यार, अभी देखो अब हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाने में ही ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मैं खुद उसको प्रिपेयर करके बता देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ अभी तुरंत मैं डाल दे रहा हूँ ताकि ध्यान से उतरे ना, जैसे क्लास बंद होता है अपन तुरंत पीडीएफ, जो जो मिल रहा है पीडीएफ डालते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्म वाला पीडीएफ, फॉर्म वाला, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म वाला बोल रहे हो क्या, वो मैंने डाला था, फिर से डाल दूंगा। पीएमआर का पीडीएफ अगर डिलीट हुआ है तो उसको मैं देखता हूँ क्यों डिलीट हुआ है। पीएमआर का, हाँ एक चीज है, आप ओल्ड कंटेंट में जाके, लेजिस्लेशन पोर्शन पीएमआर में जाके उसका स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं, और देवेंद्र सर का क्लास देखिए, 104 से देखना चालू कर दीजिए बिल्कुल। वो उनका मतलब जो जो सीएमआर से इम्पोर्टेंट चीजें है ना, वो सारा उन्होंने कवर किया है, ठीक है। अपन क्या थोड़ा डिटेल में चले जा रहे थे और अपने को थोड़ा सा एजेंसियल ने धोखा दे दिया, सही बताऊं तो, कोई बात नहीं।